हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा रखा है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमने कहां से लिया हुआ है, डीके गोयल की बुक से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको इन ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। आइए, तो पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास अप्रैल 2018 की ट्रांजेक्शन है। 1 अप्रैल को परचेज गुड्स ₹4,01,00 फ्रॉम मनोज एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। आपने 1 लाख रुपए का सामान मनोज से खरीदा 10% डिस्काउंट पर। ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को लगता है कैश डिस्काउंट है, कहीं लिखा नहीं है पार्टी ने पेमेंट की, हमने पेमेंट की मनोज को, नहीं किया। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, आप इसे ट्रेड डिस्काउंट की तरह ट्रीट करें। आइए, तो हम लोग 2018 में अप्रैल में 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन लिखते हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज, जिसे हमने खरीदा है, ये क्रेडिटर है हमारा मनोज अकाउंट। कितना, 1 लाख का सामान 10% डिस्काउंट पे खरीदा, तो कैश डिस्काउंट नहीं है अभी, ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए बुक्स में दिखेगा नहीं वो डिस्काउंट। ठीक है, 90,000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, यह लिख लिया हमने। सेकेंड ट्रांजेक्शन पर चलें। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक। आपने जो अमाउंट देना था मनोज को, वो आपने चेक से पेमेंट कर दिया उसका, और आपको 4,500 का डिस्काउंट मिल गया। आइए जी, तो आपने पेमेंट किया, ये है हमारे पास सेकेंड डेट को है, आपने पेमेंट किया है मनोज को, तो मनोज हमारा जो क्रेडिटर है आज खत्म हो जाएगा। मनोज अकाउंट डेबिट, अब आपने पेमेंट किया है चेक से, तो आपके बैंक से कुछ पैसा गया होगा। पेमेंट कितना करना था वैसे मनोज को, 90,000 हमने देना था उसको, तो 90,000 से खत्म हो जाएगा। और कुछ हमने उसको नहीं दिया, हमें यानी डिस्काउंट मिला है, उसने कहा 4,500 का डिस्काउंट मिल गया, तो 95 में 4,500 का तो डिस्काउंट मिल गया, तो बताओ कितना पेमेंट किया होगा आपने, कितने का, 85,500 का। ठीक है, 85,500 का आपने पेमेंट कर दिया, तो ये हमने ट्रांजेक्शन सेटल कर दिया। नरेशन क्या आएगी, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने पेमेंट किया और आपको डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट आते हैं 5 तारीख के ट्रांजेक्शन है, कहता है कैश ₹5,000 पेड टू देसाई, कोई व्यक्ति है देसाई, उसको आपने 5,000 पे किए और उसने आपको डिस्काउंट दिया है ₹200 का, यानी कुल मिला के ₹5,200 का अकाउंट सेटल हो गया देसाई का। अगर पेमेंट करना था तो देसाई को आपने पेमेंट किया, 5 तारीख की ट्रांजेक्शन है, कितना, किसको, देसाई को। देसाईज अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट किया आपने, अच्छा पेमेंट कैसे किया है, कैश से किया है बैंक से किया है, कुछ नहीं कहा कैश माने, ठीक है, वैसे कैश पेड बोला हुआ है, ठीक है, तो कैश पेड ही बोला है तो बात खत्म। और उसने आपको डिस्काउंट भी दिया पेमेंट करते समय, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 5,000 तो आपने कैश पे कर दिया, ₹200 का डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है जी, 200 का डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल अमाउंट कितने से डेबिट हो गया देसाई, 5,200 से। नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड, जाहिर सी बात है ये क्रेडिटर रहा होगा आपका कोई, तभी तो डिस्काउंट मिला है। बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। चलिए आइए 5 तारीख के बाद चलें अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यानी 10 तारीख को, जहां पर कहता है कैश 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500, ठीक है, 10,000 नगद प्राप्त हुआ गोवर्धन से हमें, और उसे हमने 500 का डिस्काउंट दे दिया। आइए 10 तारीख की ट्रांजेक्शन, आपको कितना पैसा मिला है, ₹10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे आप लोग, 10,000। जैसे ही आपको 10,000 मिला है तो आपने डिस्काउंट दिया है, कितने का, 500 का, ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड, आपका नुकसान है डेबिट होगा, ठीक है। और आपने ये पेमेंट दोनों किसको किए हैं, सॉरी, ये आपको पेमेंट किससे मिला है, गोवर्धन से, तो गोवर्धन शायद आपका डेटर था, अब आपके लिए ये स्पेलिंग देख लेना सही है क्या गोवर्धन की, बुक्स में देखो गोवर्धन की स्पेलिंग यही है क्या, हाँ जी क्या है,
अच्छा जियो वी ए है, ठीक है ये ए कर देना, जी गोवर्धन अकाउंट, कितना 500 का डिस्काउंट मिला, तो गोवर्धन कितने से क्रेडिट हो गया, 10,500 रुपए से। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, आपको पैसा मिला इसलिए आपने उन्हें डिस्काउंट दे दिया है। आइए 10 तारीख के बाद चले हम लोग 12 तारीख के ट्रांजेक्शन पर, जहां पे कहता है सोल्ड पर्सनल कार, आपने अपनी पर्सनल कार ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की कोई पर्सनल कार है, बिजनेस की कार नहीं है ये, बिजनेस में यूज होने वाली कार नहीं है, वो 80,000 में बेच दी अगेंस्ट चेक, 80,000 चेक से पेमेंट आ गया उसका आपको, विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू फर्म्स अकाउंट, और ये पैसा कहां डाला गया, कहां डिपॉजिट किया, फर्म के अकाउंट में जमा करा दिया। आइए जी 12 तारीख को हमारे पास क्या हुआ है, ऑनर ने अपनी कार बेची और वो पैसा बिजनेस में दे दिया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में दे दिया, ठीक है, तो बैंक में दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है बताइए बैंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, डेबिट हो गया। टू, ये पैसा हमें किसने दिया है, ये हमें ऑनर ने दिया है तो उसकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी 80,000 रुपीज, ये बात आपको समझ में आई, 80,000 से कैपिटल बढ़ गई। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस, बिजनेस में प्रोप्राइटर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया। आइए जी इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर है, 16th डेट को जो ये ट्रांजेक्शन है, यहां पे कहता है सोल्ड पर्सनल कार, दोबारा से कार बेची जा रही है, किसकी, प्रोप्राइटर की, 4,50,000 1,50,000 में अगेंस्ट चेक, पैसा चेक से मिला, ठीक है। नाउ विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट, ये समस्या हो गई, पर्सनल अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, यहां पर क्या हुआ था, फर्म के अकाउंट में पैसा जमा हुआ था, उसने अपने ही खाते में पैसा जमा कराया है, क्या बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा, कार उसकी थी घर पर उसने बेची, पैसा कहां आया, उसके पर्सनल अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में नहीं आया, बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें पैसा नहीं आया, पर्सनल अकाउंट में आया, तो बिजनेस में जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसकी एंट्री कैसे करें, तो ये जो 16th डेट है इसकी आप क्या एंट्री करेंगे, देखिए आइए मेरे पास आइए, क्या एंट्री करेंगे, 16th को आप एंट्री करेंगे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे 16th को, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पर्सनल कार बेची और पैसा भी पर्सनल अकाउंट में ही आ गया, बिजनेस में ना कुछ आया ना गया, ना बिजनेस की कोई इनकम है ना बिजनेस की एक्सपेंस है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ी है ना कैपिटल बढ़ी है। आइए जी 16th के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आइए 20 तारीख को, 20 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स टू गौरव, हमने गौरव को गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 1,00,000, कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपए, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 1,00,000 का 40% कितना हो गया 40,000, यानी 1,40,000 में बेचा। अब आगे कहता है अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,40,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 14,000 फिर कम हो गए, एंड पेड 3,000 पेड कार्ट्रिज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, और जो कार्ट्रिज है हमने पे की और हमें वो उससे चार्ज नहीं करनी, यानी ये कार्ट्रिज वो नहीं देगा, ये हमारा खर्चा है, ठीक है जी। आइए मैं इस बात को आपको समझाऊं, आइए मेरे साथ आप सब देखिए, हमारी ये डेट क्या है, 20 तारीख है ना, हाँ जी, तो 20 तारीख को देखिए क्या एंट्री करेंगे, पहले तो यहां आइए इसकी कैलकुलेशन समझिए, ये जो है इसका वर्किंग नोट देखिए, गुड्स की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज, ये 1,00,000 रुपीज वाला सामान हमने क्या कहा, हम प्रॉफिट जोड़ेंगे इसमें 40%, तो 40% कितना हो गया 40,000 हो गया। अब सामान का लिस्ट प्राइस क्या हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया 1,40,000 रुपए, 1,40,000। फिर हमने कहा इस लिस्ट प्राइस में हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या दे रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 14,000 ये कम हो गए। अब ट्रेड डिस्काउंट कम हो गया तो इसके बाद अमाउंट कितना आया जो हमें, यानी हमारी ये सेल वैल्यू है, गौरव को जो हमने सामान बेचा वो कितने की वैल्यू का बेचा, 1,26,000 में बेचा हमने ये सामान उसको, क्या ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अच्छा
इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, ये 1,26,000 में बेचा, साथ में हमने कार्ट्रिज पे की, भाड़ा हो सकता है हमने सामान इसके यहाँ पहुंचाया उसका किराया था, वो किराया हमने खुद पे किया है, उससे नहीं लेना हमने ये पैसा, ठीक है। आइए इनकी एंट्री करें हम लोग। तो यहाँ पर आप दो एंट्रियां करेंगे, पहला तो गौरव को आपने सामान बेचा, गौरव्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, ठीक है, कितना 1,26,000 रुपए, ये अभी हम निकाला 1,26,000 कहां से आया, ठीक है, प्रॉफिट जोड़ा फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया, ये 1,26,000। अब उसके बाद ये बेचने के बाद हम कह रहे हैं हमने कार्टेज भी पे किया जो उससे चार्ज नहीं करना, यानी पेमेंट हम दे रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, इसकी एंट्री क्या हो गई, गुड्स सोल्ड। इसमें दो ट्रांजेक्शन है, पहली ट्रांजेक्शन तो ये हो गई 20 तारीख को, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे आप, कार्टेज अकाउंट डेबिट, किराया है टू कैश, आपने पेमेंट कर दी तो कैश आपका कम हुआ होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, 3,000 रुपए की कार्टेज आपने पे की, 3,000 आ गया। आइए जी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कार्टेज पेड, आपने कार्टेज की पेमेंट कर दी, किराया पे कर दिया। आइए जी तो अब ये 20 तारीख की ट्रांजेक्शन हमने लिख ली, 24 तारीख की ट्रांजेक्शन पर आइए आप। 24 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है क्या कहता है, प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है विद रुद्रायन कंपनी, रुद्रायन कंपनी कोई है उस पर ऑर्डर प्लेस किया, किस लिए, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 80,000, 80,000 का सामान हमें भेज दीजिएगा, इसका हमने ऑर्डर प्लेस किया, सामान नहीं आया हमारे पास, केवल ऑर्डर प्लेस किया है, एंड अ चेक फॉर रुपीज 40% ऑफ अमाउंट इज सेंड टू देम एज एडवांस, और हमने इस 80,000 का 40% अमाउंट उन्हें एडवांस पे भी कर दिया, ध्यान रखिए एडवांस पे किया है, गुड्स नहीं आए हैं तो आपका अभी खर्चा नहीं है, खर्चे के लिए पेमेंट नहीं की, आपने किसी को एडवांस दे रखा है, जब एडवांस पे कर रखा है किसी को तो आपकी एसेट है, क्योंकि उसका फायदा आपको मिलना अभी बाकी है, उस व्यक्ति के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसने अभी हमें एसेट के लिए अगेंस्ट में हमें क्या नहीं दिया, गुड्स बेचे दिए नहीं है हमें, ठीक है। आइए जी तो 24th को एंट्री देखें क्या होगी, 24th को आपने रुद्रा एंड कंपनी को एडवांस पे किया, तो आपकी एसेट है, आपने कैसे पे किया है बताइए, चेक दिया है उन्हें, चेक दिया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से, 80,000 नहीं पे किए, 80,000 का 40% अमाउंट पे किया है, आप मुझे जी कितना हो जाएगा, 32,000 रुपए होगा, ठीक है, 32,000 रुपए आपने पे किए चेक से, ध्यान रखिएगा खर्चा नहीं है, अभी एसेट है ये, क्योंकि आपने पेमेंट किया है और अभी गुड्स नहीं मिले, इनका फायदा मिलना, इस पेमेंट का फायदा मिलना बाकी है, 32,000। चलिए नरेशन, बीइंग एडवांस पेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने गुड्स की सप्लाई के लिए एडवांस पे कर दिया, ठीक है जी। चलिए अब एक काम कीजिए, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पूरा क्वेश्चन दोबारा से, इसका सॉल्यूशन आप मुझे डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो हमारे हैं इनका टोटल बता दीजिए, टोटल क्या आ रहा है। हाँ जी, पहले आपके पास ट्रांजेक्शन फर्स्ट डेट फर्स्ट की है, फिर ये 2 तारीख की ट्रांजेक्शन, फिर ये 5 और 10 तारीख की ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये फिर 12 तारीख की ट्रांजेक्शन है और 16 तारीख को कोई एंट्री नहीं है, 20 तारीख की हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है और ये लास्ट है हमारे पास 24 तारीख की ट्रांजेक्शन। हाँ तो आप मुझे टोटल बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 4,36,700, ठीक है, 4,36,700 अमाउंट आ गया, 4,36,700, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हुआ, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है यह है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को असेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही, ठीक है ना।
तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9261004×7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सिक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें सिक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उससे पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है। आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को, अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है।